जसप्रीत बुमराह की, द लीडर ऑफ द पैक, जिस तरह का प्रदर्शन यहां पे जसप्रीत बुमराह ने किया, शानदार तरीके की गेंदबाजी, और सिर्फ विकेट नहीं लिए चिराग, यहां पे उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया, एक बताया कि किस तरह से गेंदबाजी करनी है, क्या इंटेंसिटी रहनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। शुरुआत में पहले ओवर से ही स्ट्रेटजी दिखनी मेरे हिसाब से शुरू हो गई थी, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को किस तरह से देख रहे हो, और आने वाले इस पूरे टेस्ट कोर्स की अगर हम बात करें, 10 टेस्ट मैचेस, किस तरह से देख रहे हो इनकी फॉर्म को? बहुत अच्छी फॉर्म है, और इनकी अच्छी चीज़ ये है कि ये आउट ऑफ फॉर्म भी अगर होते हैं ना, तब भी वो एक दो विकेट्स निकाल के आपको देते ही हैं। जब भी आप जसप्रीत बुमराह की तरफ जाते हो, वो विकेट्स आपको निकाल कर देते हैं। आज भी जो 4 विकेट्स लिए आउटस्टैंडिंग, और पहले ही ओवर में पहला विकेट निकाल कर दे दिया था, वो जो अंदर आई हल्की सी गेंद, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप जो कहते हैं, सबसे बेहतरीन डिलीवरी, वो आउट किया। उसके बाद जो यॉर्कर वहाँ पर डाली थी, जो प्लान के तहत वहाँ पर, वो एक बहुत अच्छी विकेट थी। जो टी से जस्ट पहले जो उन्होंने विकेट ली हसन महमूद की, वो जो विराट कोहली के पास स्लिप कॉर्डन में, वो भी हल्की सी पड़कर बाहर निकली। तो अगर आप देखोगे प्रॉपर जो टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी होनी चाहिए, जो हम कहते हैं कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, बिल्कुल, कौन सा गलियारा होता है, शंकाओं का गलियारा, शंका का बीज दिमाग में बो दिया है बल्लेबाज के, वही काम करते हैं कि खेले छोड़े, अंदर आएगी बाहर जाएगी, भैया कोई अता पता नहीं है। जसप्रीत बुमराह की गेंद जब आती है, बल्लेबाज को समझ में नहीं आता है कि इसको पहले तो खेलूं या छोड़ूं, और खेलूं तो बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, कुछ समझ में नहीं आता है। और इसके अलावा जो बार बार जो हम कहते हैं ना कि ट्रैप करते हैं, जो तस्कीन अहमद की स्पेशली विकेट थी, जो मैं कह रहा हूँ यॉर्कर डाली, वो क्या किया, बार बार क्या कर रहे थे, शॉर्ट बॉलिंग कर रहे थे, बार बार हेलमेट पे, एक बॉल तो हेलमेट पे लगी भी, फिर कंकशन टेस्ट हुआ, पापा का नाम बताओ, मम्मी का नाम बताओ, कहाँ रहते हो, क्यों रहते हो, कंफ्यूज कर दिया। उसके बाद अगली गेंद फिर हैंडल पर लग रही है, ग्लव्स पर लग रही है, छाती पे आ रही है, लगातार बाउंसर बाउंसर बाउंसर। उसके बाद क्या किया, जब वो यूं करने के लिए तैयार था, यॉर्कर डाल दी, चारों खाने चेत, बल्ला नीचे आया ही नहीं। ये चीज है जो स्पेशल बनाते हैं कि दिमाग हर समय चलता रहता है, प्लानिंग हर समय चलती रहती है, और इनके तरकश में इतने तीर हैं कि आपके पास जवाब नहीं है उन तीरों का। और जिस तरह की गेंदबाजी पूरे गेंदबाजी आक्रमण ने की है, वो बहुत ही ज्यादा शानदार रही, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे की है।